हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय महाकाल। ना आदि ना अंत है उसका, वो सबका ना इनका उनका, वही हिमालय वही यमन का, मस्त मलन को अपनी भूमिका। जंतर मंतर तंत्र ज्ञानी है सर्वज्ञ स्वाभिमानी, मृत्युंजय है महाविनाशी, ओमकार है इसी की वाणी। भांग धतूड़ा बेल की पत्ता, तीनों लोक इसी की सत्ता, विष पी कर भी अधिक कमर है, महादेव हर हर है जपता। हर हर महादेव। किसको पता था, उस दिन शिप्रा नदी के उस रामघाट में गोधूली आरती से पहले महादेव का ऐसे ही तांडव देखने को मिलेगा। और इसीलिए तो दूर दूर से हजारों महादेव के भक्त इसी सावन के महीने में पहुंचते हैं हर रोज शाम की आरती देखने के लिए इसी रामघाट में। We'll be right back.
थोड़ा बताएंगे पंडित जी कि ये रामघाट का जो हिस्ट्री है, इसका इतिहास कैसे बना, कैसे ये स्टार्ट हुआ? ये रामघाट जो है, यहाँ पर रामचंद्र जी जो है अपने पिताजी दशरथ जी का जो है वो पिंड दान करने के लिए आए थे, इसलिए इस घाट को रामघाट कहते हैं। उसी दिन से इस घाट का रामघाट नाम हो गया। अच्छा, ये शिप्रा है, ये मोक्ष दायिनी है, पाप मोचनी भी है और मोक्ष दायिनी भी है, इसलिए रामचंद्र जी अपने पिताजी का मोक्ष के लिए यहाँ पर आए थे, तो इसलिए इस घाट का नाम रामघाट पड़ा। और ये आरती जो होता है शाम को, आरती शिप्रा तो ये प्रकृति पूजन है आम जनता को नदी से जोड़ने के लिए। हमने जो है ये शिप्रा आरती 1981 में प्रारंभ की थी और तब से ये चलती आ रही है, और इसलिए चालू की थी ताकि लोगों के मन में नदी के प्रति जागरूकता पैदा हो और एक अच्छा प्रकृति पूजन भी हो जाता है। इस बहाने हम लोग प्रकृति का भी पूजन कर लेते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है, तो हम भी प्रकृति को का जो है वो सम्मान करें, इसलिए प्रकृति पूजन के रूप में हम जो है ये शिप्रा आरती करते हैं। बहुत अच्छा। और प्राकृतिक संपदा से जुड़ा हुआ व्यक्ति का जो है, हाँ, आदमी का प्राकृतिक संपदा से जुड़ा हुआ। ये जो आरती होता है ये रोज होता है क्या? रोज प्रतिदिन सूर्यास्त के समय, ये सूर्य इसका सूर्यास्त का है जो ठंड के अंदर जो है वो जल्दी हो जाती है 6:45 बजे, और गर्मी के दिन में जो 7:15 बजे होती है, इसका समय सूर्यास्त का है। सूर्यास्त मेला कहते हैं उसको, जो भी सनसेट टाइम होता है फिक्स है सीजन के हिसाब से। तो इसका कुछ ऐसा है कि अभी जो जैसे सावन का महीना चल रहा है, तो इसमें सावन का महीना में कुछ आरती का कुछ अलग? नहीं नहीं नहीं, कुछ आरती का ऐसा जो पैटर्न है वही है, केवल हम जो है साल में एक बार, क्योंकि शिप्रा जी का जन्म जो है वो प्राकट्य जो है शिप्रा जी का वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, वैशाख पूर्णिमा का था, उस दिन हम शिप्रा जी का जो है प्राकट्य दिवस मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं, उस दिन हम जो है यहाँ पर जो है वो अन्नकूट का जो है आयोजन करते हैं। शिप्रा महासभा जो है ये आरती शिप्रा महासभा के द्वारा की जाती है, तो शिप्रा महासभा अन्नकूट का आयोजन जो है वो शिप्रा प्राकट्य दिवस वैशाख पूर्णिमा के दिन करती है। अच्छा, यहाँ पे कुंभ मेला भी होता है ना? यहाँ हर बारह वर्ष वैशाख मास में जो है वो कुंभ का मेला जो है सिंहस्थ, इसको सिंहस्थ उज्जैन के अंदर सिंहस्थ कहा जाता है, बाकी सब ये कुंभ कहते हैं, पर उज्जैन के जो कुंभ को जो है सिंहस्थ कहा जाता है, इसलिए जो इसको सिंहस्थ जो कहा जाता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। Thank you.
लगा। और ये जो मतलब मंदिर है ये यहाँ पर उज्जैन मंदिर का ही भगवान शिव जी का ही कुछ यहाँ पर शिव जी जो है यहाँ पर, क्योंकि उज्जैन के राजा कहे जाते हैं अवंतिका नाथ महाकाल महाराज, उज्जैन का राजा कहा जाता है। इसकी कथा ये है कि एक दूसरे नाम का राक्षस था, दूसरे नाम के राक्षस ने जो है पूरे सृष्टि में जो है वो हाहाकार मचा दिया था, तो उसका उसपे वो अंत करने के लिए सबने जो है विष्णु भगवान से और ब्रह्मा जी से वो करे प्रार्थना की सारे देवताओं ने कि इसका नाश कैसे हो। तो फिर उन्होंने तो विष्णु भगवान ने कहा कि जो है इनका इसको तो जो है दूसरा राक्षस का वध तो केवल शिवजी ही कर सकते हैं। तो शिवजी से उन्होंने प्रार्थना करी सब देवताओं ने, तब शिवजी ने उज्जैन में स्वयं वो प्रकट होकर वो महाकाल के रूप में प्रकट होकर जो है वो दूसरा राक्षस का जो है वध किया। परंतु दूसरा राक्षस को एक वरदान प्राप्त था, वो भी शिवजी का वरदान था, वो भी शिवजी ने किया था उसको कि वो जैसे उसके रक्त की बूंदे जो है जमीन पर गिरेगी तो उसे जितनी बूंदे जमीन पर गिरेगी पृथ्वी पर गिरेगी उतने ही वो राक्षस जो है पैदा हो दूसरा राक्षस पैदा हो जाएंगे। तो जैसे उन्होंने दूसरा राक्षस का वध किया तो 84 बूंदे वो दूसरा राक्षस की पृथ्वी पर गिरी, तो 84 जो रूप जो है वो दूसरा राक्षस के प्रकट हो गए। और अब एक राक्षस तो भारी हो रहा था, 84 राक्षस ने तो पूरे संसार में हाहाकार मचा दिया। फिर देवता ने प्रार्थना की ये तो और गलत हो गया, क्या करें। तब फिर विष्णु भगवान ने कहा कि शिवजी की बहन है शिवप्रिया, शिवप्रिया को एक वरदान था कि शिवप्रिया जो है वो किसी भी देवता को किसी को भी कितने भागों में बांट सकती थी, वो अगर शिवजी को 84 भागों में बांट दे और 84 जो है महादेव जो है उसका दूषण का वध करे और उसके रक्त की बूंजे शिप्रा अपने में ले ले तो पृथ्वी पे नहीं आएगी, तो दूषण राक्षस का संभल नाश हो जाएगा। तो फिर जो है वो उन्होंने 84 रूप जो है शिवजी ने धरे, वो 84 रूप धरकर जो है उसका वध किया और शिप्रिया ने जो है यहाँ पर प्रकट होकर उसके रक्तों को अपने में समेट लिया। इस प्रकार दूषण राक्षस का अंत हुआ। वो जो 84 रूप थे वो उज्जैन में 84 महादेव के रूप में जो है विराजित हैं। अच्छी यात्रा होती है। एक तो ये पीछे ही हैं दूधे सर, एक यहाँ है संगमे सर, ऐसे 84 महादेव उज्जैन के अंदर है जिसमें चार काल के रूप में उज्जैन की नगरी महाकाल की महाकाल शिवजी ने कहा कि ये मेरी नगरी है तो इसके जो है रक्षा मैं करूँगा। तो उन्होंने चार द्वारपाल भी यहाँ पे तैनात किए चारों दिशाओं में, तो पूर्व में पिंगलेश्वर, पश्चिम में बिल्केश्वर, दक्षिण में कायावर्णेश्वर और उत्तर में दुर्गेश्वर, ऐसे चार द्वारपाल जो है वो 84 महादेव के अंदर उन्होंने ऐसे अपने स्थापित किए। अच्छा, ये जो ज्योतिर्लिंग है ना, जो 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ये है, इसका महात्मा क्या है? ये स्वयं दूसरा राक्षस के वध के लिए ही स्वयं प्रकट होके और वो फिर यहाँ उज्जैन में जैसे प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद वो यहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। महाकाल जो रूप से ब्राह्मणों की नगरी थी, मूल रूप से ब्राह्मणों की नगरी थी और उसका काम था ब्राह्मणों के कार्यों में विघ्न डालना। हाँ। और ब्राह्मण तो वेद पाठ और ये यज्ञ वगैरह करते तो वो सारा उसको हो रहा था, तो भगवानों ने कहा कि ये तो ब्राह्मणों का वो हो रहा है काम, इसलिए फिर शिवजी से कहा कि इसका जो है और उसने बहुत हाहाकार मचाया था। इसलिए प्रकट हुए थे वो सब पूरी में। हाँ, सब पूरी अवंतिका ना, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका सब पूरी में थे। आरती जो है ये अखंड आरती है शिप्रा जी की, मतलब चाहे कितना ही नदी पूरा है, बाढ़ है, फ्लड है, स्थान बदल जाता है। नॉर्मली यहाँ होती है, नॉर्मली आती है, आज यहाँ से फिर वहाँ से जब ये पूरा फ्लड होता है ये गेट डूब जाता है तो ऊपर से चाहे कितना भी बाढ़ आ जाए, कितना भी आरती आरती कोरोना काल में भी आरती आरती एक आदमी ने करी आरती। हमारे जो शर्ट पहन के खड़े ना शर्मा जी, इन्होंने पूरे कोरोना काल में एक दिन भी हमारी आरती नहीं, शासन के द्वारा से शासन की तरफ से उनको बिल्कुल बता दे आरती होती नहीं अखंड। तो ये यहाँ का जो रामघाट का महत्व यही है और कुंभ का मुख्य स्नान इसी यहाँ पर होता है, जो मुख्य कुंभ स्नान होता है और साधु संत जो मुख्य अपने निशान वो यही स्थान है मुख्य रूप से। अच्छा, यही पे होता है, यही जो कुंभ मेला है यहाँ। सुनो क्या है, ऐसा है 13 अखाड़े भी कहते हैं, तो कुंभ भी कहते हैं, उसमें जो है 8 अखाड़े जो हैं वो शिव दल के हैं नागा साधुओं के, और 3 अखाड़े वैष्णव हैं और 2 अखाड़े जो हैं वो उदासीन के हैं, ऐसे 13 अखाड़े हैं। तो जो नागा साधु जो हैं वो नदी के उस पार रहते हैं, वो नदी क्रॉस नहीं करते, क्रॉस नहीं करते। हाँ, नागा साधु जो हैं वो वहाँ नहाते हैं। अच्छा अच्छा, वो जो सामने अखाड़ा जो है वो जूना अखाड़ा, जूना अखाड़ा सबसे बड़ा नागा साधु का जो अखाड़ा है वो सामने है, वो पंचनाथ दशनाम जूना अखाड़ा, तो उसके घाट पे जो है वो नागा साधु उधर करते हैं, बाकी 5 अखाड़े रामा दल वाले इधर करते हैं, बाकी 5 अखाड़े इधर करते हैं, क्रॉस नहीं करते एक दूसरे। अच्छा अच्छा, ऐसा है, मतलब कुंभ के टाइम में सब एक साथ हो जाते हैं यहाँ पे, बारी बारी से मिलाते हैं।
बारी बारी से प्रशासन क्रम से नहीं लाते शासन मिलिट्री लगती है क्रम होता है रामादल वाले इधर नहाते हैं नहीं पर जब जब नागा नागा साधु नहाते तब जो है इधर के साधुओं को नहीं स्नान करने देते हैं जब वो जब इधर के साधु नहाते हैं उधर भी नहाने देते हैं तो कुंभ के टाइम में सबको रहने के लिए यहाँ पे बंदोबस्त यहाँ पे नहीं केवल जो तीर्थपुरोहित साधु आते हैं यहाँ पर केवल तीर्थपुरोहित और जो है साधु समाज के लोग ही रहते हैं ये प्रशासन के लोग रहते हैं बाकी घाट पे किसी को नहीं रहने देते ये उनके अपने जो डेरे डंबू होते हैं हाँ वो लोग निवास करते हैं पूरे महीने भर तक अच्छा अच्छा है ना और वो कई एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है कुंभ क्षेत्र कई मतलब कोई सीमित क्षेत्र नहीं है मतलब ये समझ लो कि कम से कम दो उज्जैन तीन उज्जैन और समा जाए इतना कुंभ मेला लगता अच्छा, है हाँ 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 ये तो बहुत ही मतलब और वो भी क्या क्षेत्र भी अलग अलग होते हैं रामादल वाले मतलब पूर्व साइड में रहते हैं और ये जो वैष्णव अखाड़े जो है मंगला साइड में मंगला साइड में और जो धूनी वगैरह वाले हैं जो इधर रहते हैं सेक्टर वाइज बाकी कई एकड़ क्षेत्र में फैला होता जो है तो बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा आप लोगों से मिलके आपका एक बार बता दीजिएगा पंडित जी आपका मैं पंडित रविंद्र त्रिवेदी अध्यक्ष शिप्रा महासभा शिप्रा सांध्य आरती रामघाट का मैं अध्यक्ष हूँ ये ना शिप्रा महासभा का पंडित रविंद्र त्रिवेदी धन्यवाद पंडित अविनाश त्रिवेदी और ये पंडित स्वप्निल लाखे आरती के जो संस्थापक है शिप्रा आरती मैं उनका पुत्र हूँ धन्यवाद पंडित जी बहुत अच्छा लगा इतना कुछ जानने के लिए इतना कुछ लाखे जी जो है वो बच्चों को वेद विद्या अध्ययन कराते हैं अच्छा अच्छा वाह 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा धन्यवाद पंडित जी धन्यवाद जय श्री राम जय
का जो आरती अभी आपने देखा है, शिप्रा आरती देख के मज़ा आया ना, बहुत अच्छा लगा ना, मुझे पता है बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। और ये भैया को देख लीजिए, अगर आप उज्जैन घूमने के लिए आ रहे हैं और रामघाट में आरती देखना चाहता है शिप्रा आरती, तो ये भैया के साथ ज़रूर मिलिए। भैया आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह चौहान। धर्मेंद्र सिंह चौहान भैया है, धर्मेंद्र भाई है। मेरा डिटेल्स भी इसका, ये भैया का डिटेल्स मेरे पास रहेगा, अगर किसी को कुछ ज़रूरत पड़े उज्जैन रामघाट आरती रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो ये भैया के साथ ज़रूर मिलिए, बहुत ही अच्छा भैया है। अगर आप उज्जैन घूमने के लिए आ रहे हैं और उज्जैन घूमने के लिए आए हैं तो शिप्रा की रामघाट वाली जो आरती है ये कभी मिस मत कीजिए, ज़रूर एक बार आइए। हर दिन होता है शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के अंदर अंदर समय के हिसाब से, वो गोदली वेला रहती है, गोदली वेला जो है उसमें स्टार्ट होते हैं और बहुत ही फेमस है और बहुत अच्छा लगेगा आपको। मतलब आपका जो अंदर का दिल का जो सुकून कहते हैं ना, वो आपको पीस मिल जाएगी यहाँ पे उज्जैन रामघाट का आरती देखने के बाद। और ये धर्मेंद्र भाई से ज़रूर मिलेगा, हाँ बहुत ही अच्छा है धर्मेंद्र भाई, ठीक है।